श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम के वातावरण से माहौल पूर्णतः भक्तिमय है। हम पहुंचे हैं मधुबनी जिले के राजनगर प्रखंड के भरिया बिशनपुर पंचायत के बड़ा सोनबारी सोमनाथ महादेव मंदिर परिसर में इस वक्त हैं। आप देख रहे हैं केआर न्यूज लाइव, मैं हूं बलराम सर्राफ। यदि पहली बार आप इस चैनल पर आए हों तो निश्चित रूप से यूट्यूब पर अगर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, हमारे फेसबुक पेज केआर न्यूज लाइव को फॉलो जरूर करें। इस समय पहुंचे हैं भरिया बिशनपुर पंचायत के बड़ा सोनबारी महादेव मंदिर और दुल्हन की तरह इस परिसर को सजाया गया है। नवा संकीर्तन का आयोजन हो रहा है और 9 दिवसीय नवा चलेगा और 2 दिवसीय अष्टयाम चलेगा। 2 दिवसीय कुल मिला के 11 दिन का कार्यक्रम होगा और इसकी शुरुआत आज सुबह में हुई है। भरिया बिशनपुर पंचायत स्थित खरबन्ना तालाब से नव युवती कन्याओं के द्वारा कलश भरा गया है, जल भरा गया है कलश में और गांव का परिभ्रमण करते हुए सोमनाथ महादेव मंदिर और सोमनाथ महादेव मंदिर में परिक्रमा करके उसको कलश को स्थान पर रखा गया है। राम शोभा यादव है जो पंचायत समिति सदस्य हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, कई वर्षों से आयोजन में लगे हुए हैं, हम भी कई वर्षों से आके खबर दिखलाते हैं। भरिया बिशनपुर के सोनबारी के लोग देश और दुनिया में रहते हैं, पूरे भारत में अलग अलग शहर में भी निवास करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, अगर वो नहीं आ सकते यहाँ तो यहाँ की मंदिर की आवाज़ बाबा सोमनाथ की मंदिर की छवि जो यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है वो उन तक पहुँच जाए, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। राम शोभा यादव जी, कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है उस पर बताइए। श्री श्री 108 बाबा सोमनाथ मंदिर के प्रांगण में नवाह संकीर्तन महायज्ञ के आयोजन 11 दिवसीय भ रहा है। इसमें 151 कन्या के कलश यात्रा के रूप में एहिठाम से खरबन्ना पोखर काली स्थान कलश भर के मंदिर पर एलत एक जगह स्थापित के लिए और एक के लिए तमाम ग्रामवासी के हम पंचायतवासी के धन्यवाद दै छियनि, हमरा सहयोग के लिए चंदा से सहयोग के लिए आत्मबल से सहयोग के लिए हमर किछ कार्यकर्ता सब क्षेत्र में बहुत में राम बुझावन जी, जितेंद्र पासवान जी, राजकिशोर यादव जी, परिछन यादव जी, सूर्य नारायण जी, लल्लू मधुबनिया जी हमरा ओहिठाम फेमस गायक छथि और एहिके संगे सहयोग सेहो करै छथिन, राम नारायण जी, बहुत एहन छै बेचन यादव जी जकर नाम हम भूलैत हुए हर बरमे, पूरा ग्रामवासी से हम इएह आग्रह करबनि जे अगला 5 साल तक एनाहिते चलैत रहै ई कार्यक्रम, ताकि बजे में हमू सब हड़बड़ा रहल छी, थाकल छी, खास करके केआर न्यूज के सेहो धन्यवाद देबन कि 3 साल से हमरा सहयोग करै छथि। ओहिके संगे दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर जे राजेश सराफ जी और प्रमोद सराफ जी के एक दू आदमी के सेहो हम पुरजोर धन्यवाद के पात्र दै छथि छियनि और खास करके फैयाज अहमद जे जिला परिषद के बाद में भेलै तऽ पहले हमर मित्र छथि, छोट भाई छथि, हुनको सहयोग रहलथि और हमरा तऽ बाबा बहुत कुछ देलथि, जतेक कार्यकर्ता छोट बच्चा के प्रेम दलित जे राम नारायण जी कहबो कलित कि 3 बेर हम एलो, 4 बेर हम इनका आगे केलौं आ बाकी में कलित सब आगे और आगुए के नहीं अखनतो तक आ उम्मीद है जे हमरा हमेशा आगे रखत गार्जियन के रूप में सब छथि, राम बुझावन जी, राम नारायण जी, खास के राम बुझावन जी के विशेष धन्यवाद दिए चाहबन कियाकि एहिठाम पूरा कैश के भार हिनके लग रहे एक एक पाई के हिसाब एक एक कमिटी के बना के रखे के सीनियर पर्सन के नाते पूरा सहयोग रही छथि, सबको साथ लेकर चल रहे हैं, पूरे ग्रामीण के सहयोग से आयोजन होता है, कई वर्षों से होता है और हम भी इस अवसर पर पहुंचते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और कोशिश करते हैं कि चैनल के माध्यम से ज़्यादा लोगों तक इस कार्यक्रम का खबर पहुँच सके। जिला पार्षद मोहम्मद फैयाज अपने क्षेत्र में पहुंचते हैं और लोगों से मिलते हैं ऐसा देखा जाता है और जिला पार्षद मोहम्मद फैयाज सोमनाथ महादेव मंदिर क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले केआर न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप आए हमारे क्षेत्र और हमारे क्षेत्र बिशनपुर पंचायत, ये पंचायत में जब हम इस पंचायत में घुसते तो मुझे परिवार जैसा महसूस होता है, ये मेरा परिवार का एक अंग है और मैं ये नवा लगभग हम 3 साल से आ रहे हैं और कई वर्षों से सुनते आ रहे थे कि यहाँ नवा होता है, मैं 3 साल से मैं प्रेजेंट रहता हूँ, हमेशा रहता हूँ, चुनाव से जीतने से पहले भी मैं था, चुनाव जीतने के बाद भी रहा हूँ और आगे भी रहूँगा और सभी ग्रामवासियों को और सभी माताएं बहनों को जो कलश लेके खरन्ना पोखर से जो लेके आए उनको तहे दिल से दिल की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। राम सभा जी को भी धन्यवाद देते हैं जो
उन्होंने मुझे हर साल की भांति इस साल भी यहाँ आमंत्रण दिया और मुझे आने का मौका मिला। ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे। अब 9 दिवसीय कार्यक्रम चलेगा और 2 दिन और है, 11 दिवसीय टोटल कार्यक्रम है। और यहाँ महाप्रसाद का भी आयोजन किया गया है, संध्या काल में महाप्रसाद का आयोजन होगा। महाप्रसाद पाइए और पुण्य के भागी बने। बुजुर्ग हैं और सक्रिय रूप में लगे रहते हैं। दो शब्द बताइए। हम ग्रामीण से यह आग्रह करें कि आई के माहौल से जितने नवयुवक बच्चा सब वो इनका पर हम खुश छी, एकता बना कर पोखर से लो लें आ कलश जो है से यहाँ पर बैठो लें। और विशेष में की कहूँ, हमारे शोभा जी तो सब कुछ भेज दल के शोभा जी शोभा बढ़ा रहे हैं। शोभा जी को आशीर्वाद मिला, पंचायत समिति सदस्य बने और गांव में जो कोई कार्यक्रम होता है तो बढ़ चढ़ के शामिल रहते हैं। सबका साथ सबका विकास और गांव में सद्भावना की स्थापना, ये मेन उद्देश्य रहता है। अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हो तो निश्चित रूप से इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यहाँ के लोग जो बाहर में हैं, यहाँ के लोग जो अलग अलग जगह हैं, उन तक यह पहुँचे और लोग इसको देखें। आप बताइए दोस्तों, हम एक ग्राम के सब नवयुवक से प्रार्थना करें छे, विनती करें छे, जेना के नवा के कार्यक्रम हम सब शुरू करूँ तेमे सब ग्रामीण सहयोग करें। आई 22 तारीख को हम सब नवाहक आयोजन रखने छी, एमे हमार ग्रामीण बहुत से बहुत मदद करें। माता बहन कलश में आज तक 3 साल से मनबे छी, एते नहीं कहियो भेल छल कलश तते कलश भेल। राम शोभा जी पंचायत समिति छथि, हमरा सबके बहुत गौरव के बात है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए केआर न्यूज लाइव। फिर हम मिलते हैं अगली खबर में। हमारे सहयोगी लल्लू मधुमनिया का नाम आपने जरूर सुना होगा, कलाकार हैं। मिथिलांचल में उनकी अहम भूमिका रहती है, कोई भी स्टेज कार्यक्रम करवाना हो तो आप लल्लू मधुमनिया का कार्यक्रम के लिए जरूर आप उनसे सहयोग लें और उनको आमंत्रित करें। ऐसे शादी समारोह हो या कोई ऐसे प्रोग्राम हो तो उसमें आप उनको बुला सकते हैं। वो हमको सहयोग कर रहे हैं कैमरा पर्सन के रूप में। धन्यवाद।